लेसन कोल्ड वॉर एरा क्लास प्लस टू कोल्ड वॉर चैप्टर का ये पार्ट ए है। इसका बी पार्ट भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगी। अगर आपको ये पार्ट मेरा पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस पार्ट को मैंने स्टूडेंट्स की डिमांड पर हिंदी में रेडी किया है। फर्स्ट टॉपिक इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इन जनवरी 1959 देयर वॉज अ रेवोल्यूशन इन क्यूबा, और इस रेवोल्यूशन के बाद क्यूबा में जो न्यू गवर्नमेंट सेटअप हुई वो प्रेसिडेंट फिडेल कैस्ट्रो की। प्रेसिडेंट फिडेल कैस्ट्रो की गवर्नमेंट चाइना एंड यूएसएसआर के साथ फ्रेंडली थी। जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो यूएसए के साथ फ्रेंडली थी, इसलिए यूएसए ने पूरी कोशिश की कि न्यू क्यूबन गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया जाए। सो ड्यू टू दिस इन 1962 क्यूबा को यूएसए से बचाने के लिए सोवियत यूनियन ने अपनी मिसाइल्स क्यूबा में सेंड की और वहां पे अपना एक मिसाइल बेस सेटअप कर लिया। इस मिसाइल स्टेशन के सेटअप होने से अमेरिका पर यूएसएसआर बड़ी इजीली अटैक कर सकता था। ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि यूएसएसआर ने किसी कंट्री में अपना मिलिट्री बेस बनाया था। अदरवाइज हमेशा ही यूएसए अलग अलग कंट्रीज में अपने मिलिट्री बेस बना के पूरे वर्ल्ड में टेंशन क्रिएट करता था, जिससे दोनों ब्लॉक्स में यूएसए एंड यूएसएसआर में वॉर के चांसेस ब्राइट हो जाते थे। 22 अक्टूबर 1962 को यूएसए फुली प्रिपेयर्ड हो गया कि वो क्यूबा के मिसाइल बेस पे अटैक करेगा, जो वर्ल्ड के लिए डिजास्टर्स था। क्यूबन क्राइसिस ओवर हुआ 26 अक्टूबर को। इस दिन सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव ने प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को रिक्वेस्ट किया कि अगर सोवियत यूनियन अपना मिसाइल क्यूबा से हटा लेता है तो यूएसए प्रॉमिस करे कि वो क्यूबा पे अटैक नहीं करेगा। यूएसए के एग्री करने पे ये जो क्राइसिस था ये ओवर हो गया। एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए एक लैंडमार्क है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड 1939 से 1945 का है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर अलाइंड फोर्सेस एंड एक्सिस फोर्सेस के बीच में हुई थी। अलाइंड फोर्सेस में यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस थे, एंड एक्सिस फोर्सेस में जर्मनी, इटली एंड जापान। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइंड फोर्सेस ने एक्सिस फोर्सेस को हराया। इससे पहले वर्ल्ड वॉर वन भी हो चुकी थी, जिसका पीरियड था 1914 से 1918, और इसने पूरे वर्ल्ड को बुरी तरह से हिला दिया था। विद द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगनिंग हुई कोल्ड वॉर एरा की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ जब यूनाइटेड स्टेट्स ने दो एटॉमिक बम जापान की सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी पे फेंके इन अगस्त 1945, और जापान को सरेंडर करना पड़ा। जो लोग यूएसए के इस डिसीजन के अगेंस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग जो यूएसए का ये एक्शन था उसका मेन रीजन था सोवियत यूनियन को रोकना कि सोवियत यूनियन एशिया में या कहीं और पर अपना मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर ना बना पाए, और मॉस्को को ये शो करना था कि यूएसए सबसे ज्यादा सुप्रीम है। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो रिजल्ट सबके सामने आया वो क्या देखा हमने कि वर्ल्ड में दो न्यू पावर क्रिएट हो गई हैं। जो दो सुपर पावर वर्ल्ड के सामने आई वो थी यूएसए एंड यूएसएसआर। सिंपल मीनिंग में कोल्ड वॉर का मतलब क्या है? कोल्ड वॉर मीन्स सिचुएशन ऑफ टेंशन, और वो जो सिचुएशन ऑफ टेंशन है किसके बीच में है? अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में टेंस एटमॉस्फेयर है पर फिर भी एक्चुअल फाइटिंग नहीं है। वेयर एज हॉट वॉर का मतलब क्या है? एक्चुअल वॉर, जिसमें डैमेज भी होगा, डिस्ट्रक्शन भी होगा, मैन एज वेल एज प्रॉपर्टी का। कोल्ड वॉर में सिंपल पावर स्ट्रगल नहीं थी, या फिर मिलिट्री अलायंस नहीं था, या फिर बैलेंस ऑफ पावर नहीं था अकेला। इसके साथ था आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी, जो था वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस के बीच में। वेस्टर्न अलायंस का हेड था यूएसए एंड ईस्टर्न अलायंस का हेड था यूएसएसआर। वेस्टर्न अलायंस की आइडियोलॉजी थी लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म,
वेयर एज ईस्टर्न अलायंस की आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। सो जो कोल्ड वॉर के टाइम पे मेजर क्लैशेस थे वो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स को लेके भी थे। चिक ऑफ डेटरेंस के कारण कोल्ड वॉर कोल्ड ही रही, हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुई। लॉजिक ऑफ डेटरेंस का मतलब है कि दोनों ही साइड्स इक्वली कॉम्पिटेंट, इक्वली कैपेबल है कि वो दूसरी साइड को किसी भी हद तक जाके रियून कर सकती है, खत्म कर सकती है, इस हद तक कि दोनों में से कोई भी कंट्री वॉर स्टार्ट करने के लिए रेडी नहीं था। पर जो ये डेटरेंस रिलेशनशिप थी इसने वॉर को तो प्रिवेंट किया, पर जो राइवलरी थी दोनों पावर ब्लॉक्स के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, वो कंटिन्यू ही रही। मिलिट्री फीचर ऑफ कोल्ड वॉर, यूएसए एंड यूएसएसआर, इन दो सुपर पावर्स के कारण ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। अपने इन्फ्लुएंस को पूरे वर्ल्ड में एक्सपैंड करने के लिए दोनों पावर ब्लॉक्स ने वर्ल्ड को टू मिलिट्री ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। वर्ल्ड में जो डिफरेंट कंट्रीज थी वो टू पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई। दोनों पावर ब्लॉक के साथ जुड़ी ही कंट्रीज बहुत ज्यादा रैशनल और रिस्पॉन्सिबल सेंस में काम करती थी, क्योंकि उनको पता था कि अगर एक्चुअल फाइटिंग हो गई तो इसमें दोनों सुपर पावर्स इन्वॉल्व हो जाएंगी। छोटे छोटे देशों ने सुपर पावर्स के साथ अलायंस अपने मकसद के लिए किया था, क्योंकि स्मॉलर कंट्रीज के साथ सुपर पावर ने प्रॉमिस किया हुआ था कि वो उनको प्रोटेक्शन देंगे, उनको वेपन्स देंगे, इवन उनको इकोनॉमिक असिस्टेंस भी देंगे उनके लोकल राइवल्स के अगेंस्ट, खास करके पड़ोसियों के साथ जिनके साथ उनकी दुश्मनी थी। अलायंस सिस्टम का रिजल्ट हुआ टू सुपर पावर्स, और जिसके कारण सारा वर्ल्ड टू पावर कैंप्स में डिवाइड हो गया। पहला डिवीजन हुआ यूरोप में। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने यूएसए का कैंप ज्वाइन किया, जबकि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने सोवियत कैंप को ज्वाइन किया। इसीलिए इन्हें वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न अलायंस ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर ली। सबसे पहले वेस्टर्न साइड से नाटो फॉर्म हुआ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 में एस्टेब्लिश हुआ। 12 कंट्रीज ने मिलकर इस एसोसिएशन को फॉर्म किया, और ये कंट्री थी यूएसए, यूके, फ्रांस, इटली, हॉलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, आयरलैंड, पोर्टुगल एंड कनाडा। सेकेंड मिलिट्री अलायंस जो यूएसए ने फॉर्म किया उसका नाम था सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये साइन हुई इन द ईयर 1954। और इसमें जो मेंबर्स थे वो थे यूएसए, यूके, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, थाईलैंड एंड फिलीपींस। थर्ड मिलिट्री अलायंस जो यूएसए ने फॉर्म किया वो था सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन 1955 में फॉर्म हुई, और इसकी मेंबर कंट्रीज थी यूएसए, पाकिस्तान, ईरान, इराक एंड टर्की। यूएसएसआर ने सिर्फ एक ही मिलिट्री पैक्ट साइन किया, उसका नाम था वारसा पैक्ट। वारसा पैक्ट साइन हुआ था इन द ईयर 1955। इस वारसा पैक्ट के मेन मेंबर्स थे सोवियत यूनियन, पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, हंगरी, रोमानिया एंड अल्बेनिया। नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाई डिड द सुपर पावर्स हैव मिलिट्री अलायंसेस विद द स्मॉलर कंट्रीज। सुपर पावर्स स्मॉलर कंट्रीज के साथ मिलिट्री अलायंसेस क्यों करते थे? सुपर पावर्स के स्मॉलर कंट्रीज के साथ मिलिट्री अलायंसेस करने के जो मेन रीजन थे उनमें से जो मेन रीजन था वाइटल रिसोर्सेस, क्योंकि सुपर पावर्स को छोटी छोटी कंट्रीज से ऑयल्स एंड मिनरल्स मिलते थे। सेकंड था इकोनॉमिक सपोर्ट। काफी स्मॉलर अलायंसेस छोटी छोटी कंट्रीज इकट्ठी होकर मिलिट्री एक्सपेंसेस को बियर करती थी। सुपर पावर्स को एक टेरिटरी मिल जाती थी अलायंस करने के बाद, जहां से सुपर पावर्स अपने वेपन्स और ट्रूप्स को लॉन्च करते थे। इसके अलावा सुपर पावर्स को एक प्रॉपर लोकेशन भी मिल जाती थी जहां से वो एक दूसरे के ऊपर स्पाई करते थे, जासूसी करते थे। द एमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। दोनों ही सुपर पावर बहुत ज्यादा कीन थी कि वो अपने एरिया ऑफ
इन्फ्लुएंस को पूरे वर्ल्ड में और ज्यादा एक्सपेंड करे, जिसके कारण वर्ल्ड पूरे टू पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो चुका था और इनके दो अलायंसेस बन चुके थे, वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस। हर स्टेट अपनी प्रोटेक्टिव सुपर पावर के साथ बुरी तरह से जुड़ी हुई थी ताकि दूसरी सुपर पावर की इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। एरिनास ऑफ कोल्ड वॉर। एरिनास ऑफ कोल्ड वॉर का मतलब है एरिया जहां पे क्राइसिस या वॉर हो चुका है या होने का खतरा है दोनों सुपर पावर्स के बीच में, पर उसने अपनी एक सीमा को क्रॉस नहीं किया। पहला एग्जाम्पल है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का, जो मैं आपको पहले डिटेल में बता चुकी हूँ कि दोनों सुपर पावर्स के बीच में कोल्ड वॉर पीरियड के बीच में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आया था, पर जिसको दोनों ही कंट्रीज के हेड ने, यूएसए और यूएसएसआर के हेड्स ने मिलकर अवॉइड किया और वॉर की सिचुएशन से वर्ल्ड को सेव किया। सेकेंड एग्जाम्पल है शूटिंग वॉर का। दोनों ही सुपर पावर्स के बीच में कोल्ड वॉर पीरियड में सेवरल शूटिंग वॉर हुई उनकी मेंबर कंट्रीज के बीच में, जैसे कोरिया में क्राइसिस रहा, बर्लिन में क्राइसिस रहा, कॉन्गो में क्राइसिस रहा। कोरिया का क्राइसिस था 1950 से 1953 तक, बर्लिन क्राइसिस का पीरियड था 1958 से 1962 तक, कॉन्गो क्राइसिस का पीरियड था 1960s का। थर्ड एग्जाम्पल, दोनों ही पावर ब्लॉक्स में क्राइसिस टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती गई। रीजन क्या था कि दोनों में से कोई भी पावर ब्लॉक पीछे हटने के लिए रेडी नहीं था, पर जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि जो ये क्राइसिस हो रहे थे और जो आपस में इनकी वॉर्स हो रही थी उसका रिजल्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं बना। फोर्थ एग्जाम्पल, कोरिया, वियतनाम एंड अफगानिस्तान में जो क्राइसिस हुआ उसमें बहुत सारे लोगों की जाने गई, पर फिर भी वर्ल्ड न्यूक्लियर वॉर से बच गया। फिफ्थ, कुछ केसेस में मिलिट्री बिल्टअप्स की रिपोर्ट भी मिली और बहुत सारे केसेस में डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन भी कराने की कोशिश की गई दोनों सुपर पावर्स में, पर वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकी और उसका रिजल्ट क्या हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग। नॉन अलाइंड कंट्रीज ने भी दोनों सुपर पावर्स के बीच में कोल्ड वॉर टेंशन को रिड्यूस करने की पूरी कोशिश की कि कोल्ड वॉर को खत्म किया जा सके। इस तरह से हमने देखा कि जो कोल्ड वॉर थी उसमें लॉजिक ऑफ रेस्ट्रेंट का बहुत बड़ा रोल था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।